कैसा है? सुबह सुबह सूरत हाल क्या है? चिल्लाए कलान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बदलते मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से इस वक्त बड़ी खबर है कि नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की समरोली के मकाम पर, जहां पर एक बड़ा पत्थर गिरा है, चट्टान खिसक आई है हाईवे के ऊपर। नेशनल हाईवे को फिलहाल ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बंद कर दिया गया है। ताजा तरीन तस्वीरें आपके सामने, हालांकि अभी तक शारा को साफ नहीं किया जा सका है। मलबा भी गिरा है और एक चट्टान भी खिसकी है। नेशनल हाईवे का ये एरिया है उधमपुर के करीब समरोली का इलाका, और अभी जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, इस इलाके के अंदर चूंकि नेशनल हाईवे पर आज ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था, सुबह सुबह गाड़ियों को वादी की तरफ और वादी से जम्मू आने की तरफ उन्हें इजाजत थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा, उस तरफ भी गाड़ियां इंतजार कर रही हैं, इस तरफ भी मुसाफिर बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का कि कब इंतजामिया की जानिब से हरी झंडी दिखाई जाए और नेशनल हाईवे को साफ करके गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया जाए। ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर सफर करना चाह रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करके ही आप सफर करें, क्योंकि ये अब से चंद मिनट पहले की तस्वीरें हैं और हमारे नुमाइंदे उधमपुर से कंफर्म कर रहे हैं कि समरोली के मकाम पर ये बड़ा बोल्डर एक जो गिरा है उसको भी ब्रेक करने का काम चल रहा है, लेकिन साथ साथ इतलात ये भी हैं कि इसके आसपास कुछ बाकी मलबा भी जो था, चूंकि फोर लेनिंग का काम भी कुछ एक एरियाज में अभी चल रहा है, कुछ में चल रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान इस तरह की ये जो वाकयात हैं वो रोनमा हो रहे हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाईवे को फिलहाल सुबह सुबह रोक दिया गया। दोनों तरफ गाड़ियों की एक लंबी कतार जो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नजर आ रही है, इन गाड़ियों को शाहरा को मुकम्मल तौर पर साफ करने के बाद ही अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना किया जाएगा।